देख सकते हैं कि नदी किनारे सब रड़ुआ मछली मार रहे, दूसरे के घर वाले सब भगा दे, जाओ मछली मार का तभी दो वक्त खाना मिलेगा। और इधर देखो महापन होती है, एक कोस इधर ही होना है पार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है मेरे और न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आप सभी को मछली कैसे पकड़ा जाता है आटा से। दोस्तों मैं हूँ अभी अपने घर पे, खाना वाना खाकर रेडी हो चुका। तो देख सकते मैं नहा धो के भी रेडी हो चुका। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ मछली पकड़ने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, आप लोग वीडियो वॉच नहीं कर रहे तो व्यूज़ कहाँ से आएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, फाइनल हमने नहा धो कर खाना पीना खा कर पूरा रेडी हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। तो आपको मछली पकड़ा जाता है तो हमारे यहाँ से कटिया और उसके साथ जो आटा है, जो कि जैसे आटा से लगा लगा कर हम मछली पकड़ेंगे। तो देखो कलुआ आए कर कलुआ भाग रहे हैं सब बकरी चराने, तो हम जा रहे हैं मछली मारने। तो हे गाइस यार, एक भी मछली नहीं पड़ रहे, हम बहुत देर से खड़ा है लेके आटा वाटा लेके, एक भी मछली अभी तक नहीं पड़ रही। देख सकते हो नदी किनारे सब रड़ुआ मछली मार रहे, दूसरे के घर वाले सब भगा दे, जाओ मछली मार का कभी दो वक्त खाने मिले। और इधर देखो महापन होती है, एक कोस इधर ही होना है पार। बस थोड़ा बहुत मार रहे हैं। तो कोई न्यू ट्रिक हो आप सभी को बात तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मछली बहुत तेज़ी से हम लोग पकड़ सकें। देखो काफ़ी ढेर लोग यहाँ पर मार रहे। और ये बैठ कोयलारी कोयलारी हाई पर हाय। तो दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली हमने मछली को लेकर घर पे आ गए। तो दोस्तों हमने करीबन 2 से 2.5 घंटा मेहनत करने के बावजूद हमको मिला 100 ग्राम सीधरी। तो दोस्तों आप सोच सकते हो यार, 2-2.5 घंटा मेहनत करने बाद हमको मिले 100-150 ग्राम सीधरी। तो दोस्तों लेकिन एक बात तो है, मछली खाने से ज़्यादा मज़ा आ रही है मुझे मारने में। तो दोस्तों आप दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली हमने 2 घंटा मेहनत किया, यानी मछली मारे तो हमको 100 ग्राम मछली मिला। तो 2 घंटा मेहनत 100 ग्राम मिलता, हम उसको घर पे लेके आए, घर पे आग जला के उसको मछली को माई भूज रही, भूजने बाद उसको हम चोखा बनाएंगे, उसके बाद रोटी खाएंगे। तो आप लोग भी इस तरह मछली मार के भूजते हो कि नहीं कॉमेंट करके जरूर बताइए।